मानव तस्करी, जमीन की जालसाजी, लूट और अवैध वसूली जैसे आरोपों में फरार जीतू सोनी के अखबार कार्यालय को बुधवार सुबह निगम प्रशासन ने तोड़ दिया है। जीतू सोनी के अखबार संजय लोकस्वामी के दफ्तर पर प्रशासन और निगम की टीम ने बुलडोजर चलाकर गिरा दिया। जीतू सोनी का ये ऑफिस प्रेस कॉन्फ्रेंस स्थित प्लॉट नंबर 23 पर स्थित था। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल के साथ नगर निगम का अमला भी मौजूद था। इंदौर विकास प्राधिकरण और नगर निगम ने अवैध घोषित किया था। वहीं इस प्लॉट के संबंध में प्राधिकरण ने जमीन पर कब्जे का केस दर्ज करवाया था। प्लॉट नंबर 23 से लगा प्लॉट 24 भी विवादों में है। दैनिक विंदास के नाम से आवंटित है, जिसका आवंटन भी रविंद्र निगम के नाम से बताया गया था। मंगलवार को इस प्लॉट के संबंध में राजेश चेलावत की ओर से आईडीए को जवाब पेश किया गया। इसमें दैनिक विंदास का स्वामित्व चेलावत का होना बताया गया है। आईडीए इस मामले की जांच कर रहा है।